गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बनाएंगे पनीर का डालना। डालना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए दिखा देते। ले लिए एक प्याज, थोड़ा सा अदरक, हरा मिर्च और टमाटर, ये सब मिला के पेस्ट बना लेंगे। और लिए एक चम्मच चार मगज और काजू, इसका भी पेस्ट बनाएंगे। पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। कर लिए पनीर को ग्रेट। अब इसमें मसाला मिलाएंगे, देंगे थोड़ा सा अदरक और हरा मिर्चा का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच मैदा, सब एक साथ अच्छा से मिला लेंगे। सब मसाला मिला लिए, अब छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। बना लिए, आप फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में दे दिए व्हाइट ऑयल, इसमें एक एक करके दे देंगे। लाल लाल करके फ्राई हो गया, अब उठा लेंगे। सब पकौड़ा फ्राई हो गया। चार मगज काजू डाल के एक साथ मसाला पेस्ट बना लिए। इसी तेल में अब दे दिए जीरा, तेजपत्ता, सूखा लाल मिर्च और गोटा गरम मसाला। अब देंगे पेस्ट किया हुआ मसाला। देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मसाला अच्छा से फ्राई हो गया, आप दे देंगे पानी। देंगे स्वाद अनुसार नमक। 2 मिनट बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। दो मिनट बाद पनीर पकौड़ा दे देंगे। देंगे थोड़ा सा चीनी। लास्ट में देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इतना ही ग्रेवी रहेगा, बाद में सूख जाएगा। रेडी हो गया, अब उतार लेंगे। बन गया टेस्टी एक तो रेसिपी, पनीर कोफ्ता करी। कोफ्ता करी भी बोल सकते हैं, डालना भी बोल सकते हैं। रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।